मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने पुनः जो अपनी उसकी नियति है उसके साथ साथ विश्व की भी नियति को सही दिशा में ले जाने का काम करेगा, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। बाकी सभी विजयी हुए उम्मीदवारों के लिए भी शुभकामनाएं, और जो पराजित हुए वो हौसला रखें, कभी ना कभी उनकी भी विजय होगी। कोई भी अवसाद में न जाए, जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल भी बहुत यशस्वी होगा, ऐसी अपेक्षा है। उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व इस राष्ट्र और विश्व के लिए ही मंगलकारी होगा, ऐसा विश्वास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल भी बहुत यशस्वी होगा, ऐसी अपेक्षा है। उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व इस राष्ट्र और विश्व के लिए ही मंगलकारी होगा, ऐसा विश्वास है। बात रहे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चुनौतियों का दौर है, और इसमें मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने पुनः जो अपनी उसकी नियति है उसके साथ साथ विश्व की भी नियति को सही दिशा में ले जाने का काम करेगा, ऐसा हम भरोसा रखते हैं। बाकी सभी विजयी हुए उम्मीदवारों के लिए भी शुभकामनाएं, और जो पराजित हुए वो हौसला रखें, कभी ना कभी उनकी भी विजय होगी। कोई भी अवसाद में न जाए, जिंदगी संग्राम है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा जी, सीटें उतनी नहीं आई, अयोध्या में भी जीत नहीं पाई बीजेपी इस पर। हमें अच्छे के बारे में सोचना है, और जहां कहीं भूल चूक हुई है उसका विश्लेषण करना है, जिससे कि और हम आगे बढ़ सकें।